365 न्यूज आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। दर दर की ठोकरे खाने को मजबूर है सुमन देवी का पूरा परिवार। टंडवा प्रखंड क्षेत्र के धनगढ़ा गांव निवासी सुमन देवी का परिवार इस लॉकडाउन में दर दर की ठोकरे खाने को मजबूर है। देश कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में सरकार सभी जरूरतमंदों को खाने का सामान मुहैया करवा रही है, लेकिन सुमन देवी के परिवार में खाने को एक निवाला नहीं। सुमन देवी के परिवार के दो सदस्यों के नाम राशन कार्ड में भी हैं, लेकिन डीलर अनाज की मात्रा में कटौती कर राशन देता है। इन सब समस्याओं से जब सुमन देवी के द्वारा पंचायत के मुखिया को बताया गया तो वे केवल संतावना देकर अपने को किनारे कर लिए। सुमन देवी की माने तो उनके घर में दो दिनों से चूल्हा नहीं जला है, जिसके कारण सभी केवल पानी पीकर दिन काट रहे हैं। उनका कहना है कि एक सप्ताह पहले किसी व्यक्ति द्वारा 5 किलो चावल दिया गया था जो समाप्त हो गया है। खबर 365 न्यूज के लिए टंडवा से विकास कुमार शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं विकास शर्मा इस वक्त मैं मौजूद हूँ टंडवा प्रखंड क्षेत्र के धनगड्डा गांव में। आपको बता दें कि देश कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में देश लॉकडाउन की स्थिति में है। इस स्थिति में सरकार ने जरूरतमंदों के लिए राशन पानी मुहैया करवाया है, लेकिन मैं आज आप एक ऐसे परिवार से मिलाने जा रहा हूँ जो इन सब लाभों से काफी दूर है। आइए हम उनसे कुछ बातचीत करके उनका दर्द जानते हैं। आइए बताइए। हमारे यहाँ 2-3 दिन से चूल्हा नहीं जला है और हमारा बच्चा कराची में से लॉकडाउन के चलते फंसा हुआ है, उसी का सहारे हम जी रहे हैं। और हमारा मुखिया भी लिख के ले गया था राशन कार्ड में, हमारे बच्चे को 2 बच्चे का नाम है लिख के ले गया था, 4 बच्चों को कि राशन मिलेगा, वो अभी तक नहीं मिला। और मतलब क्या बोलते हैं, डीलर भी कटौती करके देता है और हमारा कुछ नहीं है साधन, नहीं घर है रहने का और नहीं क्या बोलते हैं न बाथरूम शौचालय मिला है, नहीं गैस मिला है और नहीं राशन कार्ड का, मतलब पानी भी बहुत दूर से लाने जाने पड़ता है। चलिए आइए हम इनके घर का कुछ देखते हैं कि क्या स्थिति है।